सभी सरकारी केंद्रों में शुक्रवार को कोरोना वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। शनिवार के दोबारा वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। यह जानकारी बृहन मुंबई कारपोरेशन की ओर से दी गई है। भारत सरकार की ओर से गुरुवार रात दी गई जानकारी के अनुसार अब देश में कोविड 19 वैक्सीनेशन का आंकड़ा 97 करोड़ के पार पहुंच चुका है। आज शाम 7 बजे तक वैक्सीन की 27 लाख से अधिक खुराकें लगाई गई हैं। वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के तहत भारत ने अपने पड़ोसी 4 देशों को कोरोना वैक्सीन की खेप भिजवाई है। विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत ने अपने पड़ोसी देशों नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और ईरान को 10-10 करोड़ वैक्सीन की खेप भिजवाई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी प्रेस रिलीज को बताया गया, भारत में कोविड 19 वैक्सीनेशन अभियान के तहत लगाए जाने वाले खुराकों का आंकड़ा 97 करोड़ 11 लाख 20 हजार 405 हो गया। आज शाम 7 बजे तक 27 लाख 62 हजार 523 वैक्सीन लगाई गई। रिलीज के अनुसार आज 12 लाख 27 हजार 617 लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज मिली है, वहीं 15 लाख 34 हजार 906 लोगों ने दूसरी डोज ली है। अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।